क्वेश्चन सिक्स, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2011, इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिली कूलम विद द वोल्टेज पोलारिटी एस इंडिकेटेड। द स्विच इज क्लोज एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। द करेंट आई ऑफ टी एट ए टाइम टी आफ्टर द स्विच इज क्लोज इज, ऑप्शन आर आई ऑफ टी इक्वल टू 15 एक्सपोनेंशियल माइनस 2000 टी एम्पियर, ऑप्शन बी आई ऑफ टी इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 2000 टी एम्पियर, थर्ड ऑप्शन आई ऑफ टी इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 2000 टी, लास्ट ऑप्शन आई ऑफ टी इक्वल टू माइनस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 2000 टी एम्पियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी आप देख रहे होंगे कि ट्रांजिएंट के जो मैं आपके पास वीडियो प्रोवाइड किया था, आपके पास 4 वीडियोस अभी तक आपको अपलोड हो चुके हैं। एक आपके पास बेसिक कंसेप्ट था ट्रांजिएंट का, एक कंसेप्ट ऑफ जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस था, और प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन थे आपके पास जो आरएल सर्किट पे बेस्ड थे। ठीक है, अभी तक 4 वीडियोस हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आज का जो मैं बनाने वाला हूँ, इसमें मैं कैपेसिटर वाले आपके पास एलिमेंट को ले रहा हूँ। दैट मीन्स ट्रांजिएंट एनालिसिस जो हम करेंगे एक आरसी नेटवर्क में करेंगे, कैपेसिटर को कैसे हैंडल करते हैं उसकी बात करेंगे, क्लियर। फिर इंडक्टर और कैपेसिटर को कंबाइन भी करेंगे आपके पास, कि जब आरएलसी सर्किट होता है तब आपको कैसे हैंडल करना है। तो ठीक है, अब मैं कैपेसिटिव आपके पास सर्किट भी सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप जितने प्रीवियस अगर वीडियो अगर देखे होंगे आपके पास, तो आपको बिल्कुल आराम से क्लियर होगा कि ट्रांजिएंट में हम क्या हैंडल करने वाले और कैसे हैंडल करने वाले, क्लियर। बट अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा सजेशन है कि आप इसके प्रीवियस के जो ट्रांजिएंट के 4 वीडियोज थे उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के 5 गेट के क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, आज मैं 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, ये गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2011 का क्वेश्चन है। आप फिगर देख रहे हो, फिगर का अरेंजमेंट सिंपल है। एक 100 वोल्ट का सोर्स लगा है, ये आपके पास एक स्विच है टी इक्वल टू जीरो में क्लोज्ड, आपके पास एक 10 ओम और एक कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेट, पोलारिटी गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या आपके पास, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इनिशियल जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो 2.5 मिली कूलाम है, और टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज है, और आपको आई ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और 4 ऑप्शन आपके पास लिखे आई ऑफ टी के। ओके, अब आपको केयर करने वाली बात क्या है कि हमको पता है कि टी इक्वल टू जीरो में स्विच क्लोज है, इसका मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू जीरो माइनस में स्विच ओपन है। अगर आप टी इक्वल टू जीरो माइनस में स्विच को ओपन करने जाएंगे, अगर टी इक्वल टू जीरो माइनस में स्विच को अगर आप ओपन करेंगे, जैसे स्विच ओपन कर दिए, तो आपको लगेगा ये तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये तो 100 वोल्ट से कनेक्टेड ही नहीं है। बट जब भी आपके पास इनिशियल चार्ज या इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन है, आपको जीरो माइनस में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल चार्ज गिवन है। इनिशियल चार्ज आपके पास क्यू जीरो माइनस इक्वल टू कितना गिवन है, 2.5 मिली कूलाम आपके पास इनिशियल चार्ज गिवन है। तो इनिशियल वोल्टेज कितना होगा आपके पास, इनिशियल चार्ज डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, तो 2.5 इंटू 10^3 मिली कूलाम, और कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 50 माइक्रोफारेड, तो 10^-6, तो ये आपके पास हो गया 1000, तो ये हो गया 2500, तो ये आपके पास आ गया 50 वोल्ट। इसका मतलब इनिशियल वोल्टेज आपके पास 50 वोल्ट है। देखो इनिशियल वोल्टेज, तो इनिशियल चार्ज गिवन हो चाहे इनिशियल वोल्टेज गिवन हो, आपको एकदम आइडिया रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी अगर इंडक्टर या कैपेसिटर में इनिशियल वैल्यू गिवन है, इंडक्टर में इनिशियल करंट गिवन है या कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज या इनिशियल चार्ज गिवन है, तो आपको जीरो माइनस में नहीं जाना होता है। क्यों? क्योंकि आप यहां से अभी ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कैपेसिटर 50 वोल्ट से जो चार्ज हो रहा है, जो 2.5 मिली कूलाम है, वो कहां से आया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। इसका मतलब है एक चार्ज कैपेसिटर को हम कहीं से लेके आए और एक सर्किट में कनेक्ट कर दिए स्विच के थ्रू, तो आप ये देख नहीं पाओगे कि टी इक्वल टू जीरो माइनस में वो कैसे चार्ज हुआ होगा। तो और आपका पार्ट भी नहीं है कि कैसे देखना है। जब कोई आपको प्रोवाइड करता है कि इनिशियल चार्ज जितना है या इनिशियल वोल्टेज जितना है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भूल के भी टी इक्वल टू जीरो माइनस पे ना जाए। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू जीरो माइनस पे हम क्यों जाते हैं, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे हम इसलिए जाते हैं कि इंडक्टर में इंडक्टर का इनिशियल करंट निकाल सके, कैपेसिटर में कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज और इनिशियल वोल्टेज निकाल सके। जब ऑलरेडी आपको इनिशियल चार्ज गिवन है, तो जीरो माइनस की नीड नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा कभी भी ना करें। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि अच्छा इनिशियल चार्ज तो आपके पास गिवन था, तो इनिशियल वोल्टेज भी आपके पास 50 वोल्ट है। ठीक, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज है, देखो टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज है, ये फिगर किसका फिगर होगा, एक ट्रांजिएंट का फिगर होगा, एक ट्रांजिएंट का फिगर बन गया, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का फिगर है। इज द फर्स्ट ऑर्डर आरसी नेटवर्क, एक जो ट्रांजिएंट का फिगर है आई ऑफ टी दिख रहा है, इज द फर्स्ट ऑर्डर आरसी नेटवर्क। आपके पास इनिशियल चार्ज गिवन है, दैट मीन्स द इनिशियल वोल्टेज गिवन है, और एक सोर्स आरसी नेटवर्क है, देखो 100 वोल्ट का सोर्स लगा है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी नेटवर्क है और मेरे को आई ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, तो ट्रांजिएंट का इक्वेशन क्या होता है, ट्रांजिएंट का इक्वेशन आपके पास आई ऑफ टी का इक्वेशन लिख रहा हूँ, आई ऑफ टी का इक्वेशन क्या होता है, आई इन्फानेट प्लस आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फानेट
e raised power minus t upon tau for t greater than equal to 0. Transient का equation लिखा हुआ है. ये जो current flow है आपके पास, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि capacitor current है, ये transient का equation लिखा हुआ है. I of t current flow है capacitor के across में. तो ये I of t equal to, ये आपके पास transient का equation हो गया. हमेशा transient का equation जो first order network होता है वो three value पर depend करता है. एक initial value, एक final value और एक time constant. अब अगर मैं ध्यान से बात करूं कि इसमें आपके फाइनल वैल्यू क्या होगी, यहां लिख रहा हूं मैं कि फाइनल वैल्यू क्या होगी. तो अगर मेरे को आई इनफाइनाइट की वैल्यू निकालना है, तो अगर आप इस आरसी नेटवर्क को, और वो भी करंट कैपेसिटर करंट है, तो अगर आप आरसी नेटवर्क को अगर स्टडी स्टेट पे ले जाएंगे, तो स्टडी स्टेट पे आपके पास अगर आई इनफाइनाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो स्टडी स्टेट पे तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है. स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर का बिहेवियर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है. और अगर स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया तो करंट विल बी जीरो. इसलिए स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर करंट हमेशा जीरो होता है. तो आई इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो जीरो एम्पियर आ गया. देखो आई इनफाइनाइट जीरो एम्पियर आ गया. आ गया आंसर, आई इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो एम्पियर. ओके, तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर करंट हमेशा जीरो एम्पियर होगा. जब भी कैपेसिटर आपके पास चार्ज या डिस्चार्ज कुछ भी हो रहा हो, आई इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो एम्पियर. अब अगर मैं बात करूँ तो पहला टर्म्स हो गया. सेकेंड, अगर मैं टाइम कॉन्स्टेंट की बात करूँ, टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू होगा आपके पास आर थेवनिन इंटू सी. आर इंटू सी का प्रोडक्ट होता है टाइम कांस्टेंट. क्लियर? एक आर एल नेटवर्क में टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर का फॉर्म. एक आर सी नेटवर्क में टाइम कांस्टेंट होता है आर और सी का प्रोडक्ट का फॉर्म. देखो आर टी एच इंटू सी लिखा हुआ आपके पास. और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो पूरे के पूरे ऑप्शन में टी बाई टाउ होता है. तो टी बाई टाउ, तो टाउ की वैल्यू 1/2000 आपके पास है. 1/2000 सेकंड है सभी ऑप्शन में. तो अगर मैं एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को एग्जाम में टाइम कांस्टेंट निकालने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे ऑप्शन में टाइम कांस्टेंट सेम लिखा है, 1/2000 सेकंड. ये आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, 1/2000 सेकंड. ये टी बाई टाउ होता है. तो टाइम कांस्टेंट सबका सेम है. हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अभी तो हम जस्ट कंसेप्ट के लिए फ्रेम कर रहे हैं. तो अभी आपके पास टाउ इक्वल टू आर टी एच इंटू सी है. अगर मैं बोलूं कि सी की वैल्यू 50 माइक्रोफारेड है और आर टी एच कितना होगा, तो देखो आर टी एच कितना होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आर टी एच कितना होगा. तो अगर मेरे को आर टी एच निकालना है तो इंडिपेंडेंट सोर्स कितना हो गया, जीरो. इंडिपेंडेंट सोर्स जीरो, दैट मीन शॉर्ट सर्किट. तो आर टी एच कितना होगा, यहाँ से आर टी एच 10 ओम. तो आर टी एच इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम फ्रॉम द फिगर. तो 10 आ गया. सी की वैल्यू कितना आ गया, 50 माइक्रोफारेड, 50 × 10⁻⁶ आपके पास. तो ये आ गया 500 × 10⁻⁶. इतना आपके पास आ गया. इसका था 500 / आपके पास 1000 × 1000. 500 और ये 1000 कैंसिल आउट हो. देखो 1/2000 सेकंड आ गया, 1/2000 सेकंड. तो हमको पता था ऑलरेडी, ऑप्शन देख के पता था कि टाइम कॉन्स्टेंट 1/2000 सेकंड है. ठीक है, तो हम निकाल भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड, आपके पास आई जीरो प्लस की वैल्यू निकालना. आई जीरो प्लस की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है. तो जब भी मैं किसी भी आर सी नेटवर्क को जीरो प्लस पे हैंडल करता हूँ, तो कैपेसिटर रिप्लेस होता है उसके वोल्टेज सोर्स से. जब भी आप टी इक्वल टू जीरो प्लस पे किसी भी आरसी नेटवर्क को हैंडल करते हो, कैपेसिटर किसे रिप्लेस होता है, वोल्टेज सोर्स से. किसी भी आरएल नेटवर्क को आप जीरो प्लस से रिप्लेस करते हो, तो इंडक्टर किसे रिप्लेस होता है, करंट सोर्स से. वो करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड के डाउनवर्ड. जो प्रीवियस करंट रहता है वही करंट. अगर प्रीवियस जो पास करंट निकाले थे आप, इनिशियल करंट, अगर वो डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड, अगर वो अपवर्ड तो अपवर्ड. तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा उसका पोलैरिटी क्या होगा, जो पोलैरिटी आप निकालोगे पास्ट में वही पोलैरिटी प्रेजेंट में यूज कर लोगे. बट हमारे इस क्वेश्चन में तो हम निकाले नहीं, हमको तो प्रोवाइड किया था. इसका मतलब अगर वो हमको प्रोवाइड करे तो उनको हमको पोलैरिटी देना चाहिए. तो देखो इस क्वेश्चन में पोलैरिटी इसलिए दिया है, नहीं तो फिर तो पोलैरिटी नहीं देगा तो हम तो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे. माइनस टू प्लस भी ले सकते हैं, प्लस टू माइनस भी रख सकते हैं, हमको रोक नहीं सकता. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इनिशियल वोल्टेज दे रहे हैं तो उनको पोलैरिटी देना चाहिए. अगर वो इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर दे रहे हैं तो उनको डायरेक्शन ऑफ करंट देना चाहिए. तो अभी देखो आपको पोलैरिटी दिया है, तो कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय वोल्टेज सोर्स विद इनिशियल वैल्यू आपके पास 50 वोल्ट. तो फिगर कैसे हो गया, ये आर है, ये देखो पोलैरिटी गिवन था इसलिए 50 वोल्ट से रिप्लेस हो गया. ये 50 वोल्ट से रिप्लेस हो गया, ये आपके पास 100 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट. ये आपके पास आई जीरो प्लस के लिए फिगर, और ये आपके पास आर की वैल्यू कितना था आपके पास 10 ओम. ये अब मैं इसमें केवीएल लगाना, बहुत ही सिंपल केवीएल लगा लूंगा. माइनस 100 केवीएल, माइनस 100 प्लस 10 × I0 प्लस माइनस 50 = 0. केवीएल में जब मैं केवीएल लगाता हूँ तो हमेशा पहला वाला, फर्स्ट वाला पोलैरिटी लेता हूँ आपके पास, फर्स्ट पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करें. अपोजिट भी लगा सकते हो आप, केवीएल का तो अपना खुद का कन्वेंशनल होता है, जो भी आपको फॉलो करना है. तो आई जीरो प्लस की वैल्यू कितना होगी आपके पास, देखो ध्यान से, 150 / 10. इसका मतलब है आई जीरो प्लस का आंसर आ गया आपके पास 15 एम्पियर. ये 15 एम्पियर आ गया इनिशियल करंट.
एक कैपेसिटर में इनिशियल करंट 50 एम्पीयर। अगर मैं तीनों वैल्यू को ट्रांजिएंट के इक्वेशन में पुट कर दूं तो आई टी की वैल्यू कितना आएगा, फाइनल वैल्यू जीरो था, इनिशियल वैल्यू 50 आ रहा है, ई रेस पर माइनस टी अपॉन टाउ, तो ये आ गया 2000 टी एम्पीयर। अगर मैं ऑप्शंस के, अगर मैं अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन जा रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि देखो ऑप्शन ए आ रहा है। ये हो गया कैलकुलेशन का स्टाइल। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट क्यों किया, सिर्फ इसलिए सिलेक्ट किया कि इनिशियल चार्ज गिवन था। कई बार स्टूडेंट एक इनिशियल चार्ज को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, तो जब भी इनिशियल चार्ज आपके पास गिवन हो आप आराम से सी से डिवाइड करो और इनिशियल वोल्टेज निकाल दो। इसका मतलब है अगर आपको किसी के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप क्या चाहोगे कि भाई इनिशियल वोल्टेज हम नहीं देते, इनिशियल चार्ज देते। क्वेश्चन रीड करने में भी अच्छा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड आया है, चार्ज गिवन है, इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर गिवन है, तो क्वेश्चन रीड करते समय थोड़ा प्रॉपर लगता है। तो हम भी किसी को चार्ज देंगे तो उसको एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, सी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसके पास इनिशियल वोल्टेज आएगा। फिर पोलैरिटी हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हम उसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पोलैरिटी हमको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ तो अगर मेरे को बहुत आइडिया है ट्रांजिएंट का, तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे को आई ऑफ टी निकालना है, इसका मतलब मेरे को कैपेसिटर करंट निकालना है, और कैपेसिटर करंट अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर करंट की फाइनल वैल्यू जीरो होती है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। और देखो पूरे के पूरे ऑप्शन में अगर मैं टी जीरो पुट करूंगा तो ये 15 एम्पीयर दे रहा है, ये टी इक्वल टू जीरो पे 5 दे रहा है, ये टी इक्वल टू 10 दे रहा है, ये टी इक्वल टू माइनस 5 दे रहा है। इसका मतलब है टी इक्वल टू जीरो पे चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ टी इक्वल टू, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे फिगर बनाना चाहिए था डायरेक्ट, बस ये पहला स्टेप होता है एग्जाम का। और टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर को आप वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते और एक सिंगल केवीएल लगाते और आपको पता चल जाता आंसर 15 एम्पीयर है। तो क्वेश्चन मुश्किल से 15 और 20 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं तो टाइम लिया एक्सप्लेन करने के लिए, बट एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको सिर्फ फिगर को टी इक्वल टू जीरो प्लस पे फिगर ड्रॉ करना था, और टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स होता और आप ये करंट निकाल पाते, और अगर ये करंट निकल गया तो आपको पता चल गया कि जो करंट होगा वो कितना होगा, 15 एम्पियर होगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, आपको बस अच्छा आइडिया होना चाहिए एक ट्रांजिएंट का, एक ट्रांजिएंट के इक्वेशन का, और आप आरसी सर्किट डील कर रहे हो कि आरएल सर्किट डील कर रहे हो, इसके बारे में अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप हमेशा हैंडल कर लोगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन में लिया कैपेसिटर का क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं ऐसे वन बाई वन क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाऊँगा, वन बाई वन क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाऊँगा, आप बस प्रॉपर वे में देखते जाना, वन बाई वन क्वेश्चन देखते जाना, तो आपको ट्रांजिएंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।